काशी को कायाकल्प की जरूरत है, पुनर्निर्माण की नहीं। काशी की आत्मा वैसी की वैसी रहनी चाहिए और चीजें बनती जानी चाहिए। वाराणसी में तोड़फोड़ हो रही है, काशी को क्योटो बनाने की कवायद चल रही है, पुरानी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, शिव की नगरी को सुंदर बनाया जा रहा है। वाराणसी की गलियों में इन दिनों ऐसी तस्वीरें आपको खूब दिखेंगी, कुदाल फावड़े की आवाज आपको खूब सुनाई देंगी। दरअसल ये तोड़फोड़ उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत गंगा घाट से मंदिरों तक सीधा रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन इस योजना को लेकर सवाल सुलग रहे हैं। ऐसे ऐसे दुर्लभ मंदिर निकलने हैं जिनका अलग ही महत्व है। सभी मंदिर जो हैं जिनको हम लोगों ने कभी देखे नहीं थे, मंदिर मकानों के अंदर छिपे हुए थे, कोई भी मकानदार अंदर जाने नहीं दिया करता था। और सभी मंदिरों की प्रमुखता यह है कि हर एक मंदिर में पूजन व्यवस्था अलग है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में मंदिरों को मटियामेट किया जा रहा है? क्या प्रशासन सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तो नष्ट नहीं कर रहा? ये ऐसे मंदिर हैं जो हिंदुत्व की धरोहर हैं। इनसे काशी काशी है, इनसे काशी शिव की नगरी है। तो कहीं खूबसूरत बनाने की कोशिश काशी का असली चेहरा तो खत्म नहीं कर देगी? इन तमाम सवालों पर अलग अलग दलीलें हैं। वाराणसी में सैकड़ों मजदूर रात दिन लगकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रशासन ने करीब 336 इमारतों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कुछ की खरीद हुई है तो कुछ को जबरन खाली करा लिया गया है, क्योंकि खुद पीएम मोदी काशी को क्योटो बनाने का वादा कर चुके हैं। काशी को कायाकल्प की जरूरत है, पुनर्निर्माण की नहीं। काशी की आत्मा वैसी की वैसी रहनी चाहिए और चीजें बनती जानी चाहिए, तभी तो इसका महत्व है। बाकी यहाँ भी एक बड़ा शहर खड़ा हो जाए। मोदी का वादा पूरा हो ये योगी की जिम्मेदारी है, इसीलिए काशी में 2400 घंटे काम चल रहा है। और फिर 2019 का चुनाव भी तो नजदीक आ चुका है। काशी साफ हो, सुंदर हो, इस पर भलाकी से ऐतराज हो सकता है, लेकिन काशी का असली स्वरूप बना रहे ये भी तो जरूरी है।